सिंगरौली में एक ऐसे वैद्य हैं जिनके सामने बड़े बड़े हड्डी के विशेषज्ञ भी फेल हो जाते हैं, पर सोहर के वैद्य शिवदयाल वैश्य को हड्डियों से संबंधित रोगों की काफी जानकारी है। वैद्य शिवदयाल वैश्य ने बताया कि वह करीब 30 वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं। उनके यहाँ जो भी मरीज आते हैं उनकी हड्डियों की परेशानी को वे दूर करते हैं। चितरंगी तहसील के ग्राम परसोहर में वैश्यदयाल वैश्य के सामने हड्डी के बड़े बड़े रोग हार जाते हैं। वैश्यदयाल वैश्य के पास हड्डी से संबंधित जो भी मरीज आते हैं वे उनका घरेलू नुस्खे से इलाज करते हैं, यहाँ तक कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी वे निपुण हैं। वे करीब 30 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। वैश्यदयाल वैश्य ने बताया कि बनारस BHU के डॉक्टर भी उनके पास हड्डियों की समस्या को लेकर आ चुके हैं और उन्हें आराम भी मिला है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लाखों लोगों को ठीक किया जा चुका है। वैद्य शिवदयाल वैश्य की समाज सेवा के चलते उन्हें पोड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच की कमान भी सौंपी गई है। सरपंच होने के बाद भी वैद्य शिवदयाल वैश्य अपने समाज सेवा के फर्ज को नहीं भूले हैं। वे लगातार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके पिताजी कर रहे थे और उनके साथ बैठते थे हम, अब देखते देखते उन्हीं की देन है कि हम भी अब आज कर रहे हैं। लगभग लगभग 30-35 साल हो गया, कहीं कभी हड्डी टूट हो, बड़े बड़े अस्पतालों से भी आए हैं, बैढ़न से, जबलपुर तक के भी लोग आए हैं। अपना बनारस के बैचू डॉक्टर साहब रहे, 3 जने आलन हैं, घुटना उनकर रहा, कंधा रहा, तीनों जने बैठाए रही। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।